الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا. ये सूरह बकरे की चौथी आयत है। खुदा लिल मुत्तकीन, ये मुकद्दस किताब हिदायत है परहेजगारों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। उनकी एक सिफत बताई, क्या? यूमिनून बिल गैब, वो गैब के ऊपर ईमान यकीन रखते हैं। ये उनके दिल की कैफियत का हाल है। वो यकीमून सलाह, अमली एतबार से वो नमाज के पाबंद हैं, खुशू खुजू के साथ, अवकात के साथ, तमाम आदाब और रियायत के साथ नमाज के वो पाबंद हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, नेक कामों में। इसराब भी नहीं करते हैं और बुखल भी नहीं करते हैं। तो एक तो इसमें दिल की हालत का बयान हुआ, उनके दिल ईमान के नूर से भरे हुए हैं, उनका बातिन भी गोया कि बहुत ही शानदार है, बारौनक है। और वो यकीमून सलाह, बदनी इबादत में भी वो लगे हुए हैं, उसमें भी कोई कोताही सुस्ती नहीं करते हैं। और जो कुछ हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते रहते हैं। रिज़्क़ की तफसील तो पहले आ गई। रिज़्क़ का मतलब सिर्फ़ खाना और पानी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की हर ज़रूरत का नाम क्या है? रिज़्क है। इसमें इल्म भी आता है और इसमें मारिफत भी, हर चीज़ इसमें आती है। इसीलिए मशाइक ने फरमाया है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है, इल्म है या अनवारात हैं, उन अनवारात को दूसरों की तरफ क्या करते हैं? मुंतकिल करते हैं, उनका हिफाजा फरमाते हैं। तो एक सिफत तो ईमान की हुई, दूसरी सिफत नमाज की, तीसरी खर्च करने की, चौथी सिफत है वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका। चौथी सिफत उनकी है कि वो लोग ईमान ला चुके हैं, यकीन रखते हैं। बिमा उन्ज़िला इलैका, जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया, जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया, उन ज़िला इलैका किसकी तरफ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो कुछ नाजिल किया गया उस सब पर वो ईमान रखते हैं। ऊपर तो फरमाया कि उनको यकीन है किस पर? गैब पर। उसमें तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात का बयान हुआ और इसी तरह से फरिश्ते, किताबें, आखिरत। यहाँ ख़ास तौर से फरमाया बिमा उन ज़िला इलैका, जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है उस सब पर वो ईमान लाते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है अनजल युनजिल इनजालन, एक है नजल युनजिल तनजीलन। कुरान पाक की दोनों ये सिफतें हैं। इनजाल और तनजील किसे कहते हैं? ऊपर से किसी चीज़ का नीचे की तरफ उतारना, इसको इनजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ किसी को उतारना बैक वक्त। क्या बैक वक्त? तंजील के माने आते हैं ऊपर से नीचे को उतारना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। क्या करके? थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। तो बाकी जो किताबें नाजिल हुई हैं वो तो एक साथ नाजिल हुई हैं, जैसे तौरात है, इंजील है, जबूर है, जो भी हैं पुरानी किताबें, और उनका तज़किरा पहले भी आ चुका है, आइंदा भी आएगा कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर 20-25 साल में नाजिल नहीं हुई, बल्कि आप जबल तूर पर तशरीफ़ ले गए
वहाँ आपने एहतिकाफ़ फरमाया, एहतिकाफ़ फरमाने के बाद बैक वक्त आपको तौरात दे दी गई और ये कुरान पाक में आप तौरात को लेकर आए वहाँ से। लेकिन कुरान पाक का ये मामला नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह तशरीफ़ फरमा हो और वहाँ से किताबी शक्ल में आपको कुरान पाक दे दिया जाए, ये कुरान पाक ले लीजिए, ऐसा नहीं। इसकी तफसील पहले आ गई, क्यों? इसलिए कि कुरान पाक के अंदर बहुत सारी आयतें वो हैं कि पहले काफिरों ने एतराज़ किया उसका जवाब आया, यहूद ने एतराज़ किया उसका जवाब आ गया। मसलन पूछा कि असाब कहब का वाक़या क्या है, तो फिर उसका जवाब आ गया। रूह की हकीकत क्या है, उसका जवाब आ गया। ज़ुल्करनैन कौन है, उसका जवाब आ गया। इसी तरह से सहाबे किराम भी कभी सवाल पूछते थे, हजरत इस जुए और शराब के बारे में क्या हुक्म है, यस अलून कनिल खमरी वल मैसर, तो उसके ऊपर जवाब आता था। जाहिर सी बात है, जब पहले ही कुरान पाक एक साथ भेज दिया जाता तो सवाल करने वाला कहेगा मैंने तो सवाल ही नहीं किया, तो जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। उसकी हिकमतें बहुत सारी हैं, वो आगे आ जाएंगी इंशाल्लाह तफसील के साथ, कि बैक वक्त कुरान पाक को नाजिल किया जाता वो सारी हिकमतें फौत हो जाती, जो हिकमतें हैं थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करने में। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार दुख पहुंचाते थे तो अल्लाह तबारक ताला तसल्ली के लिए उधर से कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाते थे। इस तरह से बहुत सारी हिकमतें हैं। फिर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक साथ कुरान पाक दिया जाता तो लोग याद भी कैसे करते, नकल कैसे करते और किस तरह क्या होता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ कुरान पाक और उतना याद करना भी आसान हुआ और दूसरों तक पहुंचाना भी आसान हुआ। इसी तरह से एक मौके के ऊपर पानी नहीं था, बड़ी परेशानी हुई, पानी ख़त्म हो गया, नमाज का वक्त है अब क्या करें। उस वक्त तयम्मुम की आयतें नाजिल हुई, पहले तो तयम्मुम की आयतें नाजिल नहीं हुई, अब हुई नाजिल तयम्मुम की आयतें, तो अब मिला हुक्म, हाँ ठीक है। इसी तरह से पहले तो किबला था बैतुल मुक़द्दस, मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 16-17 महीने की रिवायत है, 16 और 17 यही अल्फाज आए हैं कि आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, उसके बाद हुक्म आया कि आप अपना चेहरे मुबारक बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबतुल्लाह की तरफ कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है, पहले ही अगर ये हुक्म आ जाता तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का रहता कि कब हुक्म आए कि हम अपना किबला बना लें, किसको, काबतुल्लाह को। फिर यहूद ने एतराज़ किया, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें फौत हो जाती अगर कुरान पाक बैक वक्त नाजिल होता, तो ये हिकमत खुदावंदी के ख़िलाफ़ था। इसलिए कुरान पाक थोड़ा 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 करके नाजिल हुआ। लेकिन कुरान पाक में लिखा इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान पाक को बैक वक्त शब क़द्र में उतारा। तो बैक वक्त जब उतारा तो यहाँ तो है कि वो 23 साल में उतरा, उसका जवाब यह है कि कुरान पाक बैक वक्त उतरा ये भी सही है, कुरान पाक 23 साल में उतरा ये भी सही। कैसे? बैक वक्त उतरने का मतलब ये है कि जिस जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक को रखा है लाउह महफूज के ऊपर, वहाँ से अल्लाह ताला ने उसको मुंतकल किया शब कदर में आसमानी दुनिया पर, किस पर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अब कैसे मुंतकल कर लिया, आज के इस दौर में तो समझना कोई मुश्किल भी नहीं है, वहाँ था वहाँ से मुंतकल हो गया सेकंडों में इधर को, इसमें क्या मुश्किल है। आज भी तो लोग एक बटन दबाते हैं तो इस कंप्यूटर का सारा रिकॉर्ड दूसरे में चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहाँ लौहे महफूज में कुरान पाक सारा लिखा हुआ है, वहाँ से मुंतकल करके हमने आसमानी दुनिया की तरफ इसको मुंतकल कर लिया, इसकी अजमत बताने के लिए। उसके बाद वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में जिब्रील अलैहि सलातो व सलाम वक्तन फवक्तन इसको उतारते रहे। इसलिए कुरान पाक की एक सिफत इंजाल भी और तंजील भी। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो वो लोग सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से सोना चांदी ले जाएं, नहीं, वो ये चाहते थे कि इस पूरे मुल्क को हम बदल दें मज़हब के एतबार से, सारे लोगों को ईसाई बना लेंगे, मुसलमानों को भी और हनूद को भी। जाहिर सी बात है, हिंदू को तो वो ईसाई बनाना उनके लिए ज़्यादा कुछ मुश्किल न था, तो सबसे बड़ी जो रुकावट उनके सामने थी वो थी कौन, वो मुसलमान थे, सबसे बड़ी रुकावट। इसलिए उन्होंने हिंदू मज़हब को तो छेड़ा नहीं,
ज़्यादा मुकाबला था मुसलमानों के साथ, इसलिए मनाजरे भी हुए। उन्होंने उसके लिए पादरी लाए थे वहाँ से, बरतानिया से, बहुत ट्रेंड थे वो, इसलिए वो आकर मस्जिदों में जाके, गांवों में जाके वहाँ तबलीग करते थे, कुरान पाक के ऊपर शक शुबहात पैदा करते थे उसके बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी के बारे में शक शुबहात, और इस तरह से वह करते रहते थे। जिस बस्ती में पादरी गए, आवाम को जमा किया, पादरी इधर निकल गए, इधर से मौलाना की टीम पहुंच गई, उन्होंने फौरन जमा कर लिया गांव वालों को, गांव वालों इस पादरी ने क्या कहा, इस पादरी ने ये कहा, कहा देखो उसका सवाल, इसके सवाल का जवाब ये है, इसके सवाल का जवाब इस तरह से ये हुआ। तो एक मर्तबा इसी तरह से मुनाजरा हुआ पादरियों का उलमा के साथ, तो दो सेकंडों में यानी वो मसला हल कर लिया हजरत मौलाना कासिम साहब नानोती अलैहि रहमान ने। एक पादरी के साथ मुनाजरा था तो वो कहने लगे कि कुरान पाक ने फरमाया कि हमने कुरान पाक को नाजिल किया, इन्ना अंजरना तौरात, हमने तौरात को नाजिल किया, तो अंजलना ये सिफत कुरान पाक की नहीं है, ये सिफत है किसकी, तौरात की, जो है इन्ना अंजलना फी लैलतिल क़द्र, ये तो तौरात के बारे में है, इंजील के बारे में है, इन किताबों के बारे में नहीं है। इस पर मनाजरा शुरू हो गया, हजरत ने फौरन फरमाया देखो कुरान पाक फरमाता है इन्ना नहन नज़लन ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून, और उसने एक इश्काल भी किया था, देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना नहन नज़लन ज़िक्र, हमने ज़िक्र को नाजिल किया, और अल्लाह ताला फरमाते फ़सलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहले किताब से, पूछो अगर तुम्हें मालूम, अहले ज़िक्र तो, अहले ज़िक्र तो उनको बता दिया, ज़िक्र से मुराद तौरात इंजील है, और ख़ास तौर से तौरात है, कुरान पाक तो है ही नहीं। सवाल समझे नहीं समझे, कुरान पाक में है इन्ना नहन नज़लन ज़िक्र, क्या हमने ज़िक्र को नाजिल किया, ये नहीं फरमाया वो कौन सी किताब है, हमने ज़िक्र को नाजिल किया, इन्ना नहन नज़लन ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ज़िक्र की खुद हिफाजत करेंगे, का ये वादा तो इंजील के बारे में, किसके बारे में, इंजील के बारे में ये वादा है, इसलिए कि अहले ज़िक्र उन्हीं को कहा कुरान पाक ने, फ़सअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अरे कुफार अगर तुम जानते नहीं हो जाओ अहले ज़िक्र से पूछ लो, अहले ज़िक्र से मुराद है यहूद नसारा, इसमें कोई शक शुबा नहीं, आली किताब का, ये हिफाजत का वादा कुरान पाक के साथ नहीं है, हिफाजत का वादा है इंजील के साथ, किसके साथ, नान नज़ल न ज़िक्र। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोती अलैहि रहमान फरमाया कि पादरी साहब इसका जवाब तो हमारे अरबी अव्वल वाला भी देगा, जो अरबी अव्वल पढ़ते थे, अरबी दोनों पढ़ लेता हमारे मदरसे का शागिर्द, वो भी इसका जवाब दिया, का क्या कैसे जवाब दे, कहा सुनो इसमें फरमाया इन्ना नहन नज़ल न ज़िक्र, क्या इन्ना नहन नज़ल न ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून, बेशक हमने ज़िक्र को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया, ये नज़लना है बाबी तफ़ील है, नज़ल यज़ल तंज़ील है बाबी तफ़ील से है, अंजलना नहीं है वहाँ, और तौरात एक साथ नाजिल हुई है, तो अल्लाह ताला ये फरमाते इन्ना नहनु अंजलन ज़िक्र होता, क्या होता तब तो ये हिफाजत का वादा किसके साथ होता, तौरात और इंजील के साथ होता, लेकिन ये तो नज़लना है, नज़लना माने वो किताब जिसको हमने थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया, तो बताइए पादरी साहब थोड़ा थोड़ा करके कुरान पाक नाजिल हुआ है इंजील तौरात, बस ये जवाब सुनकर वो बेचारा दाएं बाएं देख लिया, और उसके बाद मुनाज़रा वहीं ख़त्म हो गया, वो भाग गया। फरमाया ये तो हमारे अरबी अव्वल और दौम कर तालिबे इल्म हल करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लन ज़िक्र, हमने ज़िक्र को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया 23 साल में, कितने में, थोड़ा थोड़ा, व इन्ना लहु लहाफिज़ून, हम इसकी हिफाजत खुद करेंगे, हिफाजत का वादा तो कुरान पाक के साथ है, जिसका तंजील की सिफत है, क्या है, इंजाल नहीं, तो वो भी समझ गया अब तो यहाँ तो चलेगी नहीं, तो बहरहाल कुरान पाक की एक सिफत है इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, एक सिफत इसकी क्या है, तंजील की। तो ये फरमाया वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, उन लोगों की ये सिफत है कि वो ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैक, जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये, जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है इससे क्या मुराद है, एक तो खुद कुरान पाक,
एक तो खुद जी, तो कुरान पाक भी नाजिल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। सवाल, इसके अलावा क्या नाजिल हुआ? कहते हैं हाँ, इसके अलावा भी नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ? देखिए, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद फरमाया। इसके अलावा क्या नाजिल हुआ? बहुत सारे अहकाम जो कुरान पाक में नहीं है। कुरान पाक में वही की दो किस्में हैं, एक है वही है जली, एक है वही है खफी। वही जली से मुराद है कुरान पाक, क्या बिल्कुल आया, अल्लाह के नबी सम बुला के लाते थे कातिब को और वो वही लिखता था, सोच लखन कुरान पाक। वही खफी से मुराद है वो सारे अहकाम जो कुरान पाक में नहीं है, वो सारे अहकाम, उसको वही खफी कहते हैं। दूसरा नाम इसका है वही मतलू, वही गैर मतलू। वही मतलू वो वही जिसकी तिलावत की जाती है, जैसे यानी कुरान पाक। वही गैर मतलू अहादीस शरीफ है। अब देखिए, दो रिवायतें मैं पढ़ लेता हूँ इस सिलसिले में। यह रिवायत पहली हज़रत अबू राफे की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على عريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي। इस रिवायत का मतलब क्या है? तर्जमा आप सुन लीजिए, तर्जमे से आप बात समझ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसा न हो मैं किसी शख्स को देखूं तक चारपाई पर या तख्त पर, किस पर? तख्त पर वो तकिया लगाए हुए होगा। बगसन उछुन तो मज का इंसान सु युस बिहताश का पेट तख्तस पेट और पता है सु डोग दित, क्या है डोग दित आज सु यातील अमरु मिन अमरी मिम्मा अमर तो भी, मेरा कोई हुक्म उसके पास पहुँचे जिसका मैंने हुक्म दिया करने का, और नहाई तो अन हो या जिस चीज़ से मैंने मना किया उसके पास हुक्म पहुँच गया, फयकूल तो वो क्या कहेगा? कौन? तख्त पर बैठने वाला आदमी, तकिया लगाया हुआ, तकिया सिताज बिहत, वो कहेगा ला अदरी, हम ये नहीं जानते हैं हदीस वगैरह। माँ वजदना फ़ी किताब इतबाना हो, बस जो कुरान पाक में उसकी बात मानेंगे, इसके अलावा हमको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल, इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ज़माना आएगा, एक जमात निकलेगी, उनका दावा होगा हम तो सिर्फ वो मानेंगे जो कुरान पाक में, इसके अलावा हम मानेंगे नहीं। और नाम उन्होंने रखा था अहले कुरान, क्या रखा था? अहले कुरान जी। तो ये क्या फरमाया आपने कि वो तकिया लगाए हुए होगा उस पर, तख्त पर? ये जो आपने फरमाया बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो शख्स तकिया लगाए हुए बैठा रहता था पलंग पर और था लंगड़ा, उसका नाम था अब्दुल्ला चकड़ालवी, क्या? अब्दुल्ला चकड़ालवी जी, वो था, उसने वो फितना शुरू किया था, कहा हमें हादिस को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुरान पाक काफ़ी है। कुरान पाक एक रिवायत तो ये है, दूसरी रिवायत इससे ज़्यादा वाजह है। वान मकदाम बीमारी मादी करम, हज़रत मकदाम इब्न मादी करब फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला सुनो लोगो, इन्नी ऊतीतुल कुरान, मुझे अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक अता फरमाया, यानी मेरे ऊपर कुरान पाक नाजिल हुआ। वह मिसरहू माहू, और उसी जैसा उसके साथ, उसी जैसा, यानी एक तो मेरे ऊपर क्या नाजिल हुआ? कुरान पाक, म्यासकर अल्लाह ताला अता कुरान पाक। वह मिसलहू माहू, और उसी जैसा उसके साथ, यानी कुरान पाक के अलावा उसी जैसा मुझे और भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, मेरे ऊपर वही आई। अला यूशिक रजुलुन शबआनु अला रीकतिही, सुनो अनकरीब एक ज़माना आएगा, एक शख्स पेट भरा होगा, अमीर होगा, मालदार होगा, ये मतलब पेट भर, अला रीकतिही अपने तख्त पर बैठा होगा, तकिया लगाए हुए, यकूल लोगों से कहेगा अलैकुम बिहादल कुरान, अरे लोगो कुरान पाक तो पकड़ लो बस। फमा वजद तुम फी ही मिन हलालिन, जो कुरान पाक में हलाल मिलेगा लिखा हुआ तो उसको हलाल समझो, फअहिल्लूहु वमा वजद तुम फी ही मिन हरामिन फहर्रिमूहु, जो उसमें हराम लिखा होगा उसको क्या मानो? हराम। इसके अलावा हराम हलाल मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उसने दावा किया। और बहुत सारे लोग उसके साथ लग गए, फिर उनका मुकाबला ज़बरदस्त किया उलमा ने, किताबें लिखी, मनाजरे हुए उनके साथ,
लेकिन वो क्योंकि उनकी दलील ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उस जमात को जल्दी से दुनिया से नाबूद कर लिया। लेकिन अब भी हैं, बहुत कम। ये फरमाया कि वो कहेगा ये कुरान पाक इसमें हलाल इस्तेमानियो हलाल, ये हराम इस्तेमानियो हराम, अमल आशन मानने जरूरत की। वमा वजद तुम फीहि मिन हरामिन फहर्रिमूहु। आप सुनिए अल्लाह के नबी से क्या फरमाया, व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हर्रम अल्लाह। बेशक ये नहीं फरमाया, मैंने वजाहत फरमाई, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है, जो कुछ हराम किया है वो ऐसा ही है जैसे हराम किया अल्लाह ताला ने। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हराम की हैं, वो ऐसी हैं जैसे हराम किया अल्लाह तबारक ताला ने। फिर आपने बतौर मिसाल के फरमाया, अला सुनो लोगो, ला यहिल लकुमुल हिमारुल अहली, पालतू गधा तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। पालतू गधा जाहिर सी बात है, जो इसको नहीं मानेगा, आदि इसको नहीं मानेगा, उसको चाहिए कि पालतू गधा भी खा ले। इसे पालतू गधे के बारे में तो रिवायत में तो है ही नहीं, ये हराम है हलाल है, ये पालतू गधा है। अहली वाला कुल्लु जीना भी मिन सिबाए, इसी तरह से वो दरिंदा भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है जो दांतों से काटता हो। क्या हो जी, यूस क्या आश करण, यूस दांत दंत से चटन आश, स आश हापुत आश हाँ रामहोन आश। फरमा ये तुम्हारे लिए हराम है, इनको खा नहीं सकते। वाला लुक्त मुआहिदिन, इसी तरह से अगर कोई चीज़ गिरी पड़ी मिल जाए, मुसलमान की नहीं बल्कि गैर मुस्लिम की, जो इस्लामी मुल्क में रहता हो, उसकी अगर कोई चीज़ मिले गिरी पड़ी, उसको भी उठाना और हजम करना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। जिस तरह से मुसलमान की चीज़ आप उस तक पहुंचाते हैं, तो गैर मुस्लिम की चीज़ भी उस तक पहुंचानी ज़रूरी है, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। इल्ला अन यस्तग़निया अन्हा साहिबुहा, इल्ला ये कि वह ऐसी छोटी चीज़ हो जिसको कोई तलाश भी न करे। जैसे आजकल के ज़माने में वो कलम किसी के जेब से गिर जाए, लेड़ी पेन पे कंस वो पुलवाए में पथ वजह से यद पर तोड़ में आज लेड़ी पेन पे मुताइ, या कंगू को प्यो कंस वो छोटी सी चीज़ है, तो वो अलग हुक्म है कि उठाने वाला उसको क्या करे। उठाने वाले को चाहिए कि पहले वो मालिक को तलाश करे, लेकिन जाहिर सी बात है कंगा को क्या मालिक तलाश करेगा, नहीं ये उसको तलाश करता, छोटी चीज़ है। इसे इसके लिए है कि भाई किसी गरीब को दे दो, मामला ख़त्म। अगर बड़ी कीमती चीज़ है तो उसके लिए ऐलानात हैं, वो मसाइल मुझे इस वक्त बताने नहीं हैं। आगे रिवायत बहुत लंबी है, इसको मैंने बाकी छोड़ दिया। तो ये रिवायत है अबू दाऊद की और दारमी की। तो क्या फरमाया इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जो अल्लाह ताला ने हराम किया वो तो हराम है ही, लेकिन जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम किया अपने उम्मत के ऊपर वो भी हराम है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अल्लाह ने हराम फरमाया। तो यहाँ फरमाया वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, ईमान वालों की सिफत ये है जो कुछ अल्लाह ताला ने आपके ऊपर नाजिल फरमाया, चाहे कुरान पाक हो चाहे कुरान पाक के अलावा दूसरी चीज़ें हों, वो भी तो नाजिल हुई है आसमान से। उमा यंतिकोनिल हवा कुरान पाक में है, उस पर वो ईमान लाते हैं। उमा बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ आपसे पहले नाजिल हुआ है उस पर भी ईमान लाते हैं। रसूल पाक से पहले क्या नाजिल हुआ है, जितनी भी किताबें, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा जितने भी हैं, उन सब पर ईमान लाते हैं ये उम्मती आपके। मालूम हुआ कि ये सिफत बन गई अब, एक तो ईमान बिल गैब और यकीमुन सला, कितने हो गए, दो, खर्च करना तीन, जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है चार, और जो कुछ आपसे पहले नाजिल हुआ है तो पांच, अगर इसको अलग अलग कर दें तो पांच हो जाएंगे। तो ये सिफत है। सवाल है कि ये अल्लाह तबारक तारा को फरमाने की क्या ज़रूरत थी, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग एक नबी की बात तो मानते थे, दूसरे नबी को तो इनकार करते थे। जैसे खुद यहूद ने साफ इनकार किया ईसा अलैहिस्सलाम का, उनको जादूगर बताया नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब तो यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो नबी माना, ईसा अलैहिस्सलाम का तो इनकार किया। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उन्होंने इनकार किया। तो मालूम है कुछ नबियों को माना, कुछ का तो इनकार किया, तो मुसलमान कहाँ रहे। इसी तरह से ईसाइयों ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी माना, ईसा अलैहिस्सलाम को भी माना, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर लिया। ये सिफत सिर्फ मुसलमानों की है क्या?
لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واتانا غفرانك ربنا واليك المصير. मुसलमानों की ये सिफत है किसी भी नबी का इनकार नहीं करते हैं। इनकार करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनकी ताज़ीम में, एहतराम में और उनके साथ अकीदत में, उनको सच्चा समझने में किसी को शक शुबा भी नहीं है। इसलिए फरमाया कि ये जो कुरान पाक हमने आप पर नाजिल फरमाया, इसके अलावा जो कुछ हमने आप पर नाजिल फरमाया, आपके ईमान वाले बंदे मुत्तकी सब पर ईमान लाते हैं और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी। तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल, उनसे पहले नाजिल हुआ है उस पर भी हमारा ईमान है, उसको कहते हैं ईमानी इजमाली। क्या तत्पर इजमाली ईमान? तौरात पर हमारे ईमान है, उसमें क्या लिखा था हमें मालूम नहीं। इंजील पर ईमान लाते हो? बिल्कुल लाते, उसमें लिखा कि हमें मालूम नहीं। जबूर पर ईमान लाते हो? बिल्कुल लाते हैं, उसमें क्या लिखा था हमें मालूम नहीं, लेकिन लफ्ज़ ज़बूर पर हम ईमान ला चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हो? बिल्कुल लाते हैं, उन्होंने क्या फरमाया हमें मालूम नहीं, हमें मालूम। नूह अलैहिस्सलाम को नबी मानते हो? बिल्कुल नबी मानते हैं, सच्चा नबी मानते हैं, उन्होंने क्या फरमाया हमें मालूम नहीं। हाँ, जितना मालूम है, क्या उस पर तो हमारा ईमान है। उनके बारे में क्या मालूम है? जितना कुरान पाक में फरमाया गया है, अहादीस में फरमाया गया है, या सहाबे किराम की जो तफासिर हैं, ताबीन तबा ताबीन, जो उन्होंने नकल किए हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम की बातें, और जो मुस्तनद तरीके से हम तक पहुँचे हैं, हमारा उस पर सब पर ईमान है। इसको ईमानी इजमाली कहते हैं। क्या? और जो कुछ नाजिल हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस पर तफसीली ईमान लाना ज़रूरी है, तफसीली ईमान लाना ज़रूरी है जी। लेकिन अवाम को उसी कदर ईमान लाना है और खवास को उसी एतबार से। मसला आम इंसान जो हम पढ़मुत की बस कुरान मजीद चुका मानन खुदा से किताब तब अहन कुरान मजीद से क्या वन सुबहान अल्लाह बात समझ वहाँ से दहमी सिपाही मज क्या लिखित दोन बह मोड़ मे पोड़मुत वहाँ से पंदमी सिपाही मज क्या लिखित मे ना दि पता हैं वहाँ से कतान एम बी नाम मुबारक से अतम दोन तथ ना पता कह। तो अवाम जो है वो कुरान पाक के ऊपर और अहादीस के ऊपर इजमाली ईमान लाते हैं, और अगर उलमा हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें तो पूरे हर 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 ऊपर तो ईमान लाना ज़रूरी है, कि उनको मालूम है कि फलां पारे में ये लिखा है, फलां पारे में ये लिखा है। हाफिज़ को तो हर 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 पर ईमान लाना ज़रूरी है। अवाम के लिए इजमाली ईमान काफ़ी है, और खवास के लिए तफसीली ईमान लाना ज़रूरी है। और जो अखसुल खवास है, अखसुल खवास जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है, तो उसी तफसील के साथ उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान तो है ही, ज़िंदगी की तफसीलात जितनी हमें मालूम हो चुकी हैं मुस्तनद तरीके से, उस पर तो हमारा ईमान है। लेकिन बहुत सारे हालात ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पर हमको, हमने नहीं देखे आँखों से, लेकिन अल्लाह सहाबे किराम ने वो सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया, इसलिए उनको तो बित तफसील ईमान लाना ज़रूरी है। ये फरमाया वल्लज़ीन यूमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आख़िरति हुम यूक़िनून, और वो लोग आख़िरत पर यकीन रखते हैं। एक तफसील तो ये हो गई। दूसरी तफसील वल्लज़ीन यूमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक, एक और जमात है यूमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक, जो कुछ आपके ऊपर नाजिल हुआ है या रसूलल्लाह सम, उस पर भी उनका ईमान है। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, जो उससे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान है। और इसमें इशारा है उन सहाबे किराम की तरफ जो पहले या तो यहूद थे या तो नसारा थे। इसकी तफसील आगे आएगी कि अल्लाह तबारक ताला ने उनका तज़किरा अलग से किया है, और उनकी फजीलत और मनकबत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई है।